तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मजे में होंगे भाई लोग। आज हमारी क्लास है, पहली क्लास है आज आपके चैनल पे, दैट इज कॉमर्स 365। तो बच्चों आज की जो क्लास है इसके अंदर मैं आप लोगों को द रैट ट्रैप चैप्टर जो है उसके वर्ड मीनिंग्स कराने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है सुमित ठाकुर, ठीक है? मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। और अब से मैं इंग्लिश की कमान संभालने वाला हूँ आपके इस चैनल पे, और इस चैनल पे मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर? तो जिन बच्चों को भी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है एक बार मुझे बता दो जल्दी से चैट स्क्रीन पे, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? क्या सभी को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? इज इट क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बच्चों आज की क्लास का जो मकसद है ना वो ये है कि आप लोगों को सारे के सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के द रैट ट्रैप के, वो सारे मुझे कराने हैं। तो मेक श्योर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये चाहता है कि हाँ यार मुझे अपनी प्रिपरेशन को पीक पे ले जाना है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे साथ इन क्लासेस में जुड़ा रहेगा और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाएगा। आई एम गुड। हाई अलका रानी, हाई रूपल, हाई नीतू, हाई एवरीवन। चलो वेरी गुड, सभी लोग आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून डिम्पल। अच्छा कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार क्लास ले रहे हैं? जो पहली बार मेरे से क्लास ले रहे हैं यहाँ पे हैं कॉमर्स 365 पे, वो लिख दें चैट स्क्रीन पे सर फर्स्ट टाइम। बताओ बच्चों जल्दी बताओ, आप लोगों के लिए आपके सुमित भैया सामने हैं और आप लोगों की मदद करने के लिए रेडी हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अलोन, अंकुश, नीतू, ओके कोई नहीं। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार क्लास ले रहा है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप तुम्हारे इंग्लिश का सफर जो है वो मेरे साथ होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत सफर होने वाला है, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है? तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो द रैट ट्रैप चैप्टर है, जिसके वर्ड मीनिंग्स मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। 12th क्लास इंग्लिश का टर्म 2 का लिटरेचर का चैप्टर 1 है आप ये मान लो, ठीक है? और रही बात कि ये चैप्टर भैया आपने करा दिया है तो हाँ यार मैंने ये चैप्टर पहले ही करा दिया है, लेकिन एक डिफरेंट चैनल पे हमने कराया है, कॉमर्स 365 पर इंग्लिश। वाह बिल्कुल बिल्कुल, अब तो जरूर होगा ये, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये कहने वाला था आप सभी लोगों को जानती हूँ बट इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, बिल्कुल सही कहा। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि आई वॉन्ट कि जो भी बच्चे अपने मार्क्स को अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो आपको सारे के सारे जो मेरे क्लासेस हैं जहां जहां पे मैं ले रहा हूँ उन सब पे आना पड़ेगा और उन सब पे अपनी इंग्लिश को बेटर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अभी मैंने यहाँ पे अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th का आई थिंक टेलीग्राम का मेंशन कर दिया है स्लाइड पे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बार से आप लोग अपना कॉमर्स 365 का जो चैनल है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का बच्चों जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? अनअकैडमी 365 का आप लोगों को जो लिंक है टेलीग्राम का वो मिल जाएगा, वहां पे मैं आप लोगों की सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। मैं बता देता हूँ डिम्पल सोनी, चिंता मत करो, मैं भी बता दूंगा आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता दूंगा। अच्छा बच्चों देखो, मेरा ये अनअकैडमी का स्केड्यूल है, आप ये देख लो अनअकैडमी का स्केड्यूल देख लो और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सामने आप लोगों को दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देवांश, मैं इंग्लिश पूरी कराऊंगा तुम लोगों की, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ऑल अमेजिंग फैक्ट पूछ रहे हैं कि सर आप डेली क्लास लोगे? बच्चों मेरी क्लासेस तो डेली होती है, लेकिन इस वाले चैनल पे मेरी क्लास 3 डेज इन अ वीक चलेगी, और एक और दूसरा चैनल है दैट इज अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th, वहां पे मेरी क्लासेस रेगुलरली चलती हैं, तो ऑब्वियसली मेरी क्लासेस रेगुलर क्या, रेगुलर से भी बहुत ज्यादा चलेंगी, लेकिन आपको दोनों चीजों को करना पड़ेगा मेंटेन, ठीक है? दैट्स ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी गुड पूजा रघुवंशी, दैट्स रियली ग्रेट। चलो सर बहुत छोटा दिख रहा है बेटा, आप अपने फोन को हॉरिजॉन्टल कर लो, ठीक है? तुम सारे कॉमर्स स्टूडेंट हो, हॉरिजॉन्टल कर लो अपने फोन को, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज बच्चों क्या तारीख है, आज है 5 तारीख। देखो आज 5 तारीख है, आज थिंग ऑफ ब्यूटी एक पोम है जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास है जो रात को 10 बजे होने वाला है, और कौन से चैनल पे होने वाला है? 11th एंड 12th। 11th एंड 12th कौन सा चैनल है? अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th। चैनल का नाम है बच्चों अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th। कुमकुम, देखो मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैंने भी वीडियो सामने खोल रखी होती है, तो इट इज वेरी मच क्लियर टू मी। तो
तो आप लोग हॉरिजॉन्टल कर लो फोन को, और दूसरी चीज अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लो, तो आपको सही से दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो आज मेरी एक क्लास है जो कि रात को 10 बजे होने वाली है, जो होगी अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th पे। आप उस पर मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। रही बात अभी वाली क्लास की बच्चों, तो अभी हमारी जो क्लास चल रही है देखो, वो रैट ट्रैप चैप्टर की चल रही है, वर्ड मीनिंग चल रहे हैं रैट ट्रैप चैप्टर का। ठीक है, जो 3 बजे चल रही है अगेन यूट्यूब पे चल रही है, और ये कौन से प्लेस पे, कॉमर्स 365 पे हो रही है हमारी क्लास। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई बच्चा ऐसा है जो प्लस पे है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो प्लस पे है, जो प्लस पे भी अपनी प्रिपरेशन को करना चाहता है, तो मेरा एक बैच चल रहा है प्लस पे, और वो बैच है TTS, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, इसका टाइमिंग होता है 7:15। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल को विजिट करके देख लो। मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, 5 तारीख को मेरी आज रात को 10 बजे क्लास है, फिर देखो 6 तारीख को भी मेरी एक रात को 10 बजे क्लास है, 7 तारीख को भी मेरी रात को 10 बजे क्लास है, और ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे हैं 12th क्लास के लिए ना। तो ये जो स्केड्यूल मैंने सामने लिखा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, सारे प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, वेरी गुड। तो बच्चों आज की क्लास में बढ़ते हैं। आज की क्लास में जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम क्या है, पहले हम उसका नाम लिख देते हैं, दैट इज द रैट ट्रैप। ठीक है, और रैट ट्रैप चैप्टर के राइटर का नाम है सेल्मा लेगलॉफ। क्या है भाई? सेल्मा लेगलॉफ। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये स्टोरी जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर सेट हुई है, तो बताओ कौन बताएगा, कौन है वो होशियार बच्चा जो मुझे बताएगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जो स्टोरी है वो किस जगह पे सेट हुई है बच्चों, जल्दी बताओ। पास्ट बेटा, सुडेन नहीं, स्वेडन है। SUDEN नहीं है, स्वेडन है। स्वेडन, वेरी गुड, दैट स्वेडन। ठीक है, और स्वेडन किसके लिए जाना जाता है ये बताओ, स्वेडन किस चीज के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए स्वेडन? बताओ, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। आयरन मिल्स के लिए, इसके लिए फेमस है, आयरन मिल्स के लिए फेमस है। ठीक है, अच्छा, ये जो चैप्टर है, आई वुड लाइक टू आस्क बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वैल्यू क्या है, मैसेज क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द बेसिक वैल्यू इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर का बेसिक वैल्यू क्या है? देखते हैं तुम में से किसको कितना पता है। पहले मैं तुम लोगों के मन को टटोल रहा हूं कि तुम लोगों को कितना पता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। यहाँ पे देखिए कौन बच्चा कितना ज्यादा इंटरेक्टिव है, कौन बात कर रहा है, कौन इस क्लास में लंबा आगे जाने वाला है। लेट मी सी दैट। लालच बुरी बला है, बिल्कुल सही कहा, ये तो ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर की जो मेन वैल्यू है ना, वो चैप्टर के ऑथर के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी है ये, तो आपने ओवरऑल चैप्टर को पढ़ने के बाद कंक्लूड कर लिया है कि हाँ, वी शुडन्ट बी वेरी मच ग्रीडी, कि हमारे को लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो मेन वैल्यू है वो बिल्कुल अलका रानी ने जो लिखा है अभी चैट पे वही है, दैट इज एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बींग कैन बी अवेकन थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब अगर हम किसी इंसान के साथ अच्छा करें, अच्छा व्यवहार करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो उसके अंदर जो गुडनेस है उसको हम जगा सकते हैं। मतलब अगर वो किसी गलत राह पे भी जा रहा है, तो हम उसे एक सही राह पे लेके आ सकते हैं, अगर हम उसे लव शो करें, सिंपथी शो करें, उसको अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। वेरी गुड, पलक ने बिल्कुल सही बताया, प्यार से इंसान को बदला जा सकता है, प्यार सब कुछ बदल सकता है ना। वेरी गुड, तो यहां पे इसकी वैल्यू हो सकती है बच्चों, एसेंशियल गुडनेस कैन बी अवेकन इन अ ह्यूमन बींग विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब प्यार के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एक इंसान को बदल सकते हैं। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को?
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अलका रानी तो हमारी पुरानी स्टूडेंट है यहाँ पे। हाँ वेरी गुड। चलो बच्चों, अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स की बात करते हैं। देखो, अगर तुम में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि सर मैंने ये चैप्टर नहीं कर रखा, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि सर मैंने ये चैप्टर नहीं कर रखा, तो आप एक काम कर सकते हो, आपको एक चैनल को विजिट करना है। उस चैनल का नाम है अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th। बच्चों मैं फिर से बता देता हूँ, सुन लो। चैनल का नाम है अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th। आपको इस चैनल को विजिट करना है और वहां पे मेरी प्लेलिस्ट चेक करनी है 12th क्लास के लिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां पे आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा। यूट्यूब पे सारे सिलेबस का मतलब है, वहां पे मैंने रैट ट्रैप चैप्टर, इंडिगो, थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, शुड विजिट इट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल, जॉब लेटर, इनविटेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सब कुछ करा दिया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बची हो, तो आप सारा का सारा अपना कंप्लीट कर सकते हो उस जगह पे। इज इट क्लियर? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। चलो अब वर्ड मीनिंग्स की बच्चों बात करते हैं। हम वर्ड मीनिंग्स लेके आए हैं आप लोगों के लिए, तो इसके वर्ड मीनिंग्स को हम देखते हैं, ठीक है। मैं पहले आप लोगों के सामने यहाँ पे वर्ड्स लिखूंगा और आपको मुझे बताना है उनका मीनिंग क्या है। अगर आपको ऑलरेडी उसका मीनिंग पता है तो आप मुझे मीनिंग्स बताएंगे नंबर के साथ। आप नंबर मेंशन करना, कौन से नंबर का मीनिंग बता रहे हो आप वर्ड का। और अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। वेरी गुड। चांदनी लाइफ ऑफिशियल पूछ रही है, सर आपने कितना पढ़ा दिया? बेटा वीडियो शुरुआत से देखो, मैं सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सारा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है टर्म टू का, बट अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th पे करा रखा है। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। वेरी गुड। मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वहां पे सारा सिलेबस मिल जाएगा, राइटिंग से लेके लिटरेचर तक। नहीं बेटा लेट नहीं हुए हो, चिंता मत करो, मैंने ही थोड़ा जल्दी करा दिया है। तुम लेट नहीं हुए हो, तुम्हारा टर्म टू के लिए बहुत टाइम है और तुम्हारा इसमें तो मैं 3-4 बार सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। वेरी गुड। ओके, तो अगर तुम्हें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है, ठीक है। ओके लेट्स ट्राई। तो बच्चों एक वर्ड है, दैट इज मोनोटोनस। मैं पहले वर्ड्स लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग बताते रहो मीनिंग, ठीक है। वी हैव मोनोटोनस, वी हैव वैगाबॉन्ड, देन प्लॉट्स, एम्प्ट, चैरिश, वी हैव ड्रेरी, वी हैव, ऐसे तो देखो बहुत सारे वर्ड है लेकिन मैं मेन मेन वर्ड लिख रहा हूं खाली, स्नेह। इसके बाद वी हैव ट्रजिंग, जेनरस, वी हैव प्रोस्पैरिटी, वी हैव इनक्रेडुलस और इम्पेनिट्रेबल। तो ये सारे वर्ड हैं, पहले इनको हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। वेरी गुड। बहुत इजी हैं वर्ड्स। अगर किसी ने चैप्टर, अच्छा मुझे बताओ तुम में से कितने लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है? टेल मी, कितने लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है? अगर किसी ने चैप्टर पढ़ रखा है तो मैं आपको रिलेट भी कर दूंगा कि कौन सा वर्ड कहां पे यूज हुआ है, ठीक है। मैं बता देता हूं,
मोनोटोनस बोरिंग है। यहाँ पे बताया जाता है कि इस चैप्टर का जो करेक्टर है पैडलर, उसकी लाइफ जो थी वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। और वैगाबॉन्ड किसको बोला जाता है? एक होमलेस वेंडर को। होमलेस वेंडर मतलब जिसका कोई फिक्स शेल्टर ना हो, जो इधर से उधर घूमते रहे। प्लॉट का मतलब क्या होता है? मूविंग एमलेसली, मतलब बिना किसी डायरेक्शन के इधर से उधर घूमना। वेरी गुड। टेम्प्ट का मतलब होता है टू गेट अट्रैक्टेड, किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाना। चैरिश का मतलब होता है टू लाइक, किसी चीज को पसंद करना। और वी हैव वन मोर वर्ड दैट इज ड्रेरी। अब ये ड्रेरी वर्ड आपको पता है कहाँ पे यूज हुआ है? प्लॉडिंग्स के साथ यूज हुआ है, भटकना है ना। ड्रेरी का मतलब डल होता है। स्नेयर किसको कहते हैं? ट्रैप को कहते हैं, जाल को कहते हैं। ट्रजिंग इट मींस टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना। जेनरस का मतलब होता है काइंड। प्रोस्पैरिटी का मतलब होता है रिचेस, ठीक है। देन वी हैव वन मोर वर्ड दैट इज इनक्रेडुलस, इसका मतलब अनबिलीवेबल। और इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी पास्ट, जिसको हम पास नहीं कर सकते हैं। बेटा राइटर का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज सेल्मा लेगरलॉफ रियागर्ग, ठीक है। सेल्मा लेगरलॉफ इज अ स्वेडिश राइटर एंड द स्टोरी इज सेट इन द माइंस ऑफ स्वीडन। स्वीडन इज नोन फॉर इट्स माइंस, ठीक है। सारा मैंने बता दिया, आप लोग शुरुआत से देखा करो बच्चों, ठीक है। चलो समझ में आए यहां तक? जिस जिसको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं वो एक बार चैट स्क्रीन पे लिख दो, सर क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर, चार बार सी, क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर। ट्रिपल सी, क्लियर क्लियर क्रिस्टल, ओके दैट्स ग्रेट। C4, तुम पक्का साइंस से हो या कॉमर्स से हो विद मैथ्स ना पूजा? ओके वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो बच्चों आगे और कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। वो वर्ड्स भी आपको देखने हैं, मैं आगे कुछ और वर्ड्स दे रहा हूँ, और जितने वर्ड्स का मीनिंग आपको आता है ना वो आप खुद ही लिखने की कोशिश करा करो, ठीक है। और चिंता मत करो, अगर कोई रह भी जाएगा तो मैं चैट पे देख के तुम लोगों के जो आंसर्स हैं वो दे दूंगा अलग से। तो लेट्स राइट फ्यू मोर वर्ड्स। देखो मैं सिंपली मीनिंग नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे चैप्टर से उसको रिलेट करते हुए बता रहा हूँ, ठीक है। इट्स नॉट कि यार मैं यहाँ पे सिंपली बस मीनिंग बता रहा हूँ, मैं चैप्टर से रिलेट करते हुए बता रहा हूँ। जिसने चैप्टर पढ़ा होगा वो उसको रिलेट कर सकता है, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो मेक श्योर मेरी हर एक क्लास से पहले वो चैप्टर पहले से प्रिपेयर कर लिया करो। मैंने ऑलरेडी अन अकेडमी क्लास 11th एंड 12th पे पूरा डम टू का सिलेबस करा दिया है, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो बच्चों अगला वर्ड है डिस्पेयर। देन वी हैव समन, अगला है स्टैगर, इसके बाद वी हैव फोर्च, अगला वी हैव स्मेल्टो, देन वी हैव शोविल, देन वी हैव मॉ, वी हैव बाउंडलेस, और ओके बच्चों क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? एक बार मुझे जल्दी से बता दो। देर वॉज अ सर्टेन लैग, आई थिंक कनेक्टिविटी में कोई इशू था। क्या अब आप लोगों को आवाज आ रही है? एक बार मुझे बता दो फास्ट।
टेल मी। ग्रेट आदित्य शर्मा। चलो ओके, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्पेयर का मतलब होता है दुख, ठीक है? यहाँ पे दुख या निराशा को कह सकते हैं ना, सैडनेस भी आ सकता है। समन का मतलब क्या है बेटा? समन का मतलब, वैसे तो देखो किसी कोर्ट के नोटिस को भी समन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे समन जो है वो स्ट्रेंथ को गैदर करने के लिए यूज किया गया है। गैदर, स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, कि जब जो पैडलर था वो जंगल में खो गया था और ही वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, जिस जंगल को उसने इम्पेनेट्रेबल प्रिजन बोला, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसे जैसे ही हैमर स्ट्रोकिंग की आवाज आती है तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को गैदर करता है और उस आवाज के डायरेक्शन में आगे की तरफ जाता है, ठीक है? देन वी हैव स्टैगर। स्टैगर का मतलब होता है टू मूव विद डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्टी के साथ मूव करना, टू मूव विद डिफिकल्टी। फौज किसे कहा जाता है? अ शॉप वेयर मेटल इज हीटेड, जहां पे मेटल को हीट किया जाता है, स्पेशली भट्टी होती है ये। यहाँ पे आयरन मिल की बात की जा रही है बच्चों, ठीक है? स्मेल्टर किसे कहते हैं? मशीन विच एक्सट्रैक्ट्स आयरन, जो क्या करती है? आयरन को एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है। शॉवेल का मतलब क्या होता है? शॉवेल बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, शॉवेल बेसिकली एक तरीके का इक्विपमेंट होता है जिससे जो कोल है उसको डाला जाता है फर्नेस के अंदर। आपने गदर मूवी में देखा होगा ना, कैसे लास्ट में सनी देओल जो है वो शॉवेल करता है कोल को, जो क्या नाम है, स्टीम वाला रेल होता है उसके मॉ में। मॉ मतलब जो उसका फायरप्लेस का मुंह है उसको बोला गया मॉ, ठीक है? और गाड़ी कितनी तेज चलने लग जाती है गदर के अंदर, तुमने देखा ही होगा, है ना? वेरी गुड। स्मेल्टर शॉवेल हो गया, टू लेट मी एग्जैक्टली हैव द मीनिंग, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। वो ये डिग, टू डिग भी कह सकते हैं, ठीक है? मॉ दैट इज माउथ ऑफ फायर प्लेस, फर्नेस भी कह सकते हैं। बाउंडलेस का मतलब होता है लिमिटलेस, लिमिटलेस। रेजिमेंट किसे कहा जाता है? जो आर्मी की एक टुकड़ी होती है उसको हम रेजिमेंट कहते हैं, है ना? आर्मी के रेजिमेंट अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में होते हैं, जैसे दिल्ली का जो आर्मी का रेजिमेंट है वो दिल्ली कैंट के अंदर है ना? तो रेजिमेंट इज बेसिकली अ सेटलमेंट ऑफ आर्मी, सेटलमेंट ऑफ आर्मी समवेयर, कहीं पे भी एक सेटलमेंट जो होता है आर्मी का उसे रेजिमेंट कहा जाता है। कॉमरेड किसको कहा जाता है? साथी को कहा जाता है बेसिकली, कॉमरेड। यहाँ पे आयरन मास्टर को लगा था कि पैडलर उसका एक पुराना कॉमरेड है ना। वैलेट किसे कहते हैं बच्चों? पर्सनल अटेंडेंट, आपका पर्सनल जो नौकर होता है एक, उसे वैलेट कहा जाता है। मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत ही विनम्र, हम्बल। एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज्ड, दैट इज सरप्राइज्ड, ठीक है? मुझे ये बताओ यहां तक तुम लोगों को सारा क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई चिंता का विषय, जल्दी बता दो। ऐसा कुछ है तो बच्चे नहीं घबराएंगे, आंसर देते जाएंगे, मुझको जल्दी बताएंगे, यूं ना तुम शर्माओगे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ट्रिपल सी, ओ चौपल सी, क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर, वाओ। सब समझ गए तुम, समझ गए तुम, खिलाड़ी आदमी हो सब। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और वर्ड्स को देख लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं तो हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है? लेट्स सी दोज वर्ड्स एज वेल। तो वी हैव फॉर बॉर्डिंग्स, वी हैव फॉर बॉर्डिंग्स,
ठीक है, जिसका मीनिंग आता है वो आप लिखिए चैट स्क्रीन पे बच्चों। देन वी हैव क्वीर, देन वी हैव प्रीच, नेक्स्ट रूम। पैडलर को जब तैयार किया जाता है ना, नेक्स्ट है स्प्लेंडो, रिच, और इंटरसीट। आदित्य शर्मा ने यहाँ पे एक आंसर दिया है, सर दिस लेसन टेल्स अस अबाउट वी शुड नॉट अट्रैक्ट टू द मटेरियलिस्ट थिंग्स। मैं आपका ना आंसर थोड़ा सा चेक कर देता हूँ आदित्य शर्मा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा आंसर चेक कर देता हूँ तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बताओ, चेक करूँ तुम्हारा आंसर? शुड आई चेक योर आंसर? तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर हम चेक करके बताते हैं और जादू करेंगे हम एक, और जो आंसर है उसको स्क्रीन पे लेके आ जाएंगे, एक जादू करेंगे और तुम्हारे आंसर को हम स्क्रीन पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, तुम्हारा आंसर आ गया स्क्रीन पे, खुश हो गए आदित्य? बताओ खुश हुए या नहीं हुए आदित्य शर्मा, ये बताओ। खुश तो बात हुए होगे तुम। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो क्या लिखा है आपने, लिखा है दिस लेसन टेल्स। पहली बात यहाँ पे बेटा, टेल्स की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है और यहाँ पे अबाउट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप दैट लगाओगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, जो कनेक्टर की तरह काम कर रहा है दो सेंटेंसेस के बीच में। फिर यहाँ पे आपने शुड की स्पेलिंग गलत लिखी है, वी शुड नॉट, और ये पैसिव वॉइस में जा रहा है, ये बनेगा वी शुड नॉट बी अट्रैक्टेड टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये फुल स्टॉप यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज दीज आर मेक अस ग्रीडी, नहीं दीज, फिर यहाँ थिंग्स आएगा, दीज थिंग्स मेक अस ग्रीडी एंड थीव। फिर वर्ल्ड, वर्ल्ड सिंगुलर है तो यहाँ इज आएगा, वर्ल्ड इज कंपेयर टू अ रैट ट्रैप वेयर पीपल आर माउस, वेयर पीपल आर रैट्स, माउस की जगह आप रैट्स लिखो तो ज्यादा ठीक है, और ब्रेड एज लग्जरीज, लग्जरीज की बात की गई है बेटा यहाँ पे। अब बताओ कैसी गई, अच्छी गई? समझ आया क्या गलतियां हैं सभी लोगों को, ये बताओ समझ समझ आया बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बता दो हमें, हम तुम्हारे आंसर का जवाब, सॉरी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ओके, फॉरवर्डिंग्स का मतलब होता है हमारे माइंड में जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, या मैं एक तरीके से यहाँ पे कह सकता हूँ कि आने वाले समय को लेके हम कोई भी अगर पूर्वानुमान लगाते हैं तो उसको हम फॉरवर्डिंग कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज फोरटेलिंग, दैट इज फोरटेलिंग, दैट इज व्हाट फोरटेलिंग, किसी चीज को पहले से प्रेडिक्ट करना। क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। जब एडला विलियमसन जो है वो रैट ट्रैप पैडलर को सपोर्ट करती है तो उस टाइम पे वो एक लंबा चौड़ा भाषण देती है अपने फादर को, उस टाइम पे उसका फादर कहता है यू आर, यू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। ग्रूम का मतलब होता है तैयार करना, ग्रूम सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी होती है। स्प्लेंडर का मतलब होता है लग्जरी और बेटर लाइफ। रिच का मतलब होता है कोई भी माइजरेबल इंसान जो बहुत ही बेकार सिचुएशन में हो, और इंटरसीड का मतलब होता है इंटरप्ट करना, किसी को भी इंटरप्ट करना, टू इंटरप्ट। ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया, आया ना, जल्दी बताओ, वेरी गुड। अब तुम एक चीज देखो यहाँ पे, एक बहुत ही अच्छी चीज है, और वो ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों का आंसर लिया और आंसर को चेक करके बताया, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सर इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा तो आप चेक करो, कितने लोग चेक करवाना चाहते हैं आंसर को, ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट दैट? क्योंकि अगर तुम ऐसा चाहते हो ना तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल
क्योंकि मेरी जो रात को 10 बजे वाली क्लास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की चल रही है ना, वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि जो चैप्टर के आंसर हैं वो आपको देने होते हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ और व्हेन यू गिव आंसर्स, तो उसके बाद मैं चेक करके यहाँ पे सामने दिखाता हूँ कि आपकी गलती कहाँ पे थी, और इससे आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर बच्चों आप में से कोई भी बच्चा ये चाहता है कि सर मेरे को क्या नाम है अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक मेरा नया बैच है जो स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये बैच मेरा स्टार्ट हुआ है शाइन बैच, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीमियम क्रैश कोर्स भी है, ब्रह्मास्त्र में भी मैं हूँ, 12th क्लास का जो ब्रह्मास्त्र बैच है उसमें भी मैं हूँ, सुमित ठाकुर, ठीक है। और जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए शाइन बैच है, उसके अंदर भी मैं हूँ, दोनों बैचेस के अंदर मैं हूँ बच्चों। और उसके अंदर मैं इंग्लिश की पूरी पूरी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। हमारा टाइमिंग है इंग्लिश की प्रिपरेशन का TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, 7:15 से 8:15 का हमारा टाइमिंग है। तो अगर तुम में से कोई बच्चा चाहता है कि मुझे इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, तो आप मेरा जो बैच है उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बच्चों अगर आप अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको तो पता ही है, मेरे से ज्यादा अच्छे से तुम्हें पता है, कि इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटोरशिप गाइडेंस, कितनी सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। और आप ज्यादा नहीं, 3 मंथ्स का भी कोर्स अगर लेते हो तो 3 मंथ्स के प्लस के सब्सक्रिप्शन की भी 7500 है, अगर 6 मंथ्स का लेते हो तो ये 10,000 है। लेकिन इस 10,000 में फायदा ये होगा कि आपको 22% ऑफ मिल जाएगा, अगर आप आज रात को 12 बजे से पहले पहले अपना सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 22% ऑफ मिल जाएगा। आपको बस ये कोड यूज करना है, मेरा कोड नोट कर लो कहीं पे, SUTH10। और तुम में से कोई अगर पर्सनल अटेंशन चाहता है कि मुझे एक पर्सनल मेंटोर मिले, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहां लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, वीकली रिपोर्ट्स होंगी, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, पेरेंट्स से भी आप कनेक्ट करवा सकते हो, स्टडी प्लानर आपका मेंटोर आपको बना के देगा। यहाँ पे 6 मंथ की फीस कितनी है भाई, यहाँ पे 6 मंथ की फीस है बच्चों 17,000 खाली, 18 भी नहीं है, 17,000 है जो कम है। और 17,000 में भी आप लोगों को 22% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो आज रात को 12 बजे से पहले पहले, तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है जो जनहित में जारी है, वो ये है कि इस बार जो अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट आने वाला है बच्चों, वो 11th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, दोनों के लिए है, और आप बहुत कुछ जीत सकते हो। इस बार के टेस्ट में आप आईपैड, सैमसंग मोबाइल, JBL हेडफोन, JBL स्पीकर, गूगल होम मिनी, अमेजोन वाउचर्स, मतलब बहुत कुछ जीत सकते हो। 3 रैंक होल्डर्स में आपकी रैंक भी आ सकती है, आपको मेडल्स भी मिल सकते हैं ना। 9 जनवरी 1 बजे है, 11th 12th दोनों के लिए है, 1.5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सॉरी प्राइजेस जीत सकते हो। और 11th का क्या सिलेबस है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये यहाँ पे मेंशन है। क्लास 12th का क्या है, आप मेरे हिसाब से शायद कॉमर्स से हो, अगर आप लोग कॉमर्स से हो तो कॉमर्स के लिए क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो कॉम्बेट में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, कॉम्बेट में जितनी जल्दी हो सकता है पार्टिसिपेट कर लो, और अगेन वंस अगेन ये कोड यूज करो आज रात को 12 बजे से पहले पहले, और अपना जो ऑफ है ना उसको जरूर ग्रैब कर लो, दैट इज 22% ऑफ। समझ में आ गई बात। और बच्चों ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि मेरी क्लासेस कैसे कैसे होने वाली है। जिसको भी अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th वाले चैनल पे मैंने पूरा डम टू करा रखा है, वहां पे विजिट करो और अपना सिलेबस पूरा करो। आज रात को भी एक क्लास है जो कि कब होने वाली है, 10 बजे आज रात को भी एक क्लास है जो 10 बजे होने वाली है, जो कि होगी किस पे, थिंग ऑफ ब्यूटी की आंसर राइटिंग पे, अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th पे, तो उस क्लास को अटेंड जरूर करना है। समझ में आ गई बच्चों बात। और हाँ, एक और चीज कि मैं कुछ क्लासेस जो हैं वो बच्चों लेता हूँ स्पेशल, स्पेशल मतलब अनअकैडमी के ऐप पे जो मेरे प्रोफाइल पे विजिबल होती हैं, तो आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर लो, वहां पे आप लोगों को मेरी क्लासेस के सारे लिंक्स मिलते रहेंगे। समझ में आ गई बात। तो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास में। स्पेशल क्लास के लिए एनरोल करने के लिए प्रोफाइल पे फॉलो जरूर करना, स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं ऐप पे, बहुत मजा आता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चन ऐप पे अपने आंसर्स लिख के भेज सकते हो, क्वेश्चन भी भेज सकते हो कुछ पूछना है तो, लाइव पॉल्स भी होते हैं, लीडर बोर्ड भी होता है, तो मेक श्योर जल्दी से जल्दी क्लासेस के लिए एनरोल कर लो बच्चों। और अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो तो ये कोड जरूर यूज करना, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। नोट्स का लिंक मैं नीचे दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड करते रहना, ठीक है। चलो तो लेट्स क्रैक इट बच्चों, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच वंस अगेन।